गांव मनोली सूरत की किसान कमेटी द्वारा धरने पर बैठे किसानों की सहूलियत को देखते हुए ट्राली तैयार करवाई गई है, जिसमें एसी, इन्वर्टर, पंखे, लाइट, पानी आदि की सुविधा उपलब्ध है। इथे पर्दे लाए गए हैं, जो भी बंदे नूं बाहर देखना होवे पर्दा खोलूगा तो उदो बाद वो बाहर देख सकता है, तो इस तरह ही पर्दे नूं बाद च ओपन कर दूगा। तो ये पखे लगाए गए हैं, ये इनवेटर के उपर चल सकते हैं, जो भी कदे लाइट भजदी है उदो बाद इनवेटर ते पखे चलणगे, तो जो लाइट होगी एसी भी चलूगा तो पखे भी चलणगे नाल ही। तो बाकी पोस्टर लाए गए हैं, ये दो खिड़कियां रखी ने, जो भी सानू लगता है तो असं ये कूलर भी सैट कर सकते हैं, ये कुंडी ला के इन उपर सैट कर लेंगे, बाहरों भी अपने कोले कूलर की सैटिंग रखी हुई है, जो भी सानू लोड़ पेगी भी जो ज़्यादा गर्मी पैंदी है तो आप कूलर का इतने सैटिंग कर सकते हैं। तो इस करके ना दोवे पासे एक इधर तो दूजा इधर दोवें पासे कूलर वास्ते खिड़कियां रखी गई हैं, तो इन्हों आप इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। तो आ अपना कपड़े टंगण वास्ते टंगड़ी लगाई गई है, तो अज ये चार LED लाइटा लगिया हुई हैं, तो चार्जर लाने वास्ते बोर्ड, AC स्टेपलेजर, तो एक एग्जैक्ट फैन ये भी लग्या होया है, तो जो भी जो ज़्यादा गड्डी अपना ट्रैली च हीट होंगी है तो आप एग्जैक्ट फैन यूज़ करांगे, तो ये गर्मी नूं बाहर कढ़ूगा। इस तरीके नाल इस ट्रैली नूं बनाया गया है, सब तो पहले एंगल बनाया गया सी, उदों बाद प्लाई लगी है पूरे ते, फिर PVC पैनल ला के इनू तैयार किया गया अंदरों, तो उपर साइड असी जी इंसुलेशन टेप जो कि गर्मी नूं रोकती है वो पाई, तो उहदे उपर थर्मोकोल पाउण तों बाद आपां ने उपर फाइबर पाया है, फाइबर नूं सैट करके ये ट्रैली नूं तैयार किया गया। असी चलो तुहानूं बाहरों दिखाउंदे हां, तो जिहड़ी कि बाहरों तैयार होई है। इस तरीके नाल इहदी छत बहुत सॉलिड है, ये पानी जाण दा कोई साधन वो नहीं है भी पानी कल नूं बरसात होंदी है पानी अंदर जाऊगा, इहो जिहा कोई सिस्टम नहीं, बड़े ही पक्के तरीके नाल इस नूं तैयार किया है। तो ये वधिया काम होया है जो कि पिंड दे पूरे सहयोग नाल बनया है, तकरीबन इसमें साडा 1,00,000 रुपये के करीब खर्चा आया होया है, तो जिस नाल साडी ट्रैली जदों तक किसान अंदोलन चलूगा उतों उदों तक उत्थे रहूगी। तो बाहरों बैनर लाए ने, तुसीं देख सकते हो, आ मोदी सरकार नूं बार बार बेनती, तुसीं किसानां नूं उन्हां दा हक दिओ ते बिलां नूं कैंसल करो। ये जिहड़ी तुहानूं गल कर रहा सी आ हैगी है इंसुलेशन टेप, ये कदे अपना ये अपना जो कूलिंग स्टोर होंदे हन उन्हां दे विच यूज प्रयोग होंदी है, फिर असीं यूज कीता है, इस दे नाल ट्रैली विच खींची जाऊगी, जिहनूं पहलां असीं इहदे नाल लाया ते उहदे उप्पर थर्मोकोल ते फाइबर ला के फिर ये बैनर लाए। इस तरीके नाल अगे भी अपन झंडे लाए हुए ने, रोम का झंडा ते किसानां दा झंडा, ते फिर अपन ने घा लाया होया है जो कि बीज नूं जाण तों इहनूं रोकूगा। इस प्रकार दूजे पासे अपनी ट्रैली बनी हुई है, अज तुहानूं दूजे पासे आपां दिखाउंदे हां, सेम ही बनी हुई है, इदां ही बैनर लाए हुए ते ਇੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਮੋਫਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਟਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਪਿੰਡ ਮਲੌਲੀ ਸੂਰਤ, ਰਿਟਾਇਰ ਆਰਮੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਰੈਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਰੈਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਝੁੰਗੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟਰੈਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਪਡੇਟਸ ਬੜੀ ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਂ ਆਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟੀਵੀ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ।